हाँ दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बनाऊंगी आलू का कतरा। इसका मैं आलू को मैंने छील के 3 आलू लिया है, 2 प्याज लिया है। अब आलू को मैं बारीक बारीक काटूंगी। दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं आलू को मैंने काट दिया है, अब मैं प्याज भी इसी तरह कतरा कतरा काटूंगी और इस कतरे का मैं बनाऊंगी पकौड़ी। बहुत सुंदर सा बने हुए को मैंने बारी बारी काट दिया है। और आलू में मैं डालूंगी हल्का सा मसाला और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा मिर्ची पाउडर डालूंगी मैं इसमें, हल्का सा इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी स्वाद के लिए, कलर टेस्ट अच्छा होगा इसका। नमक डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा और मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी। प्याज को भी मैं इसी में अच्छे से मिक्स करूंगी, डाल करके प्याज को भी इसी में अच्छे से मिक्स करूंगी। दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं इसमें मैंने सारे मसाला मिक्स करके अब मैं इसको 2 मिनट के लिए यहाँ पे रखूंगी। अब मैं यहाँ पे ली हूँ बेसन, बेसन में मैं डालूंगी हल्दी और मैं इसमें नमक डालूंगी, इसमें नमक हल्का डालूंगी क्योंकि आलू में मैंने नमक मिक्स किया है। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं अब मैं इसमें पानी डालूंगी, पानी डाल के अच्छे से मिला दूंगी मसाले में, हल्दी और नमक बेसन में एकदम अच्छे से मिलाऊंगी। घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, मैं घोल को बस नॉर्मली रखूंगी। पा रहे हैं आलू का मसाला एकदम अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैंने बेसन को अच्छे से मिला के रखा है। अब आइए आप कतरा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आराम से इसको बेसन में मिक्स कर देना है और इसको एकदम प्यार से कढ़ाई में, कढ़ाई मैंने तेल रखा था, तेल मेरा गर्म हो गया था। अब ऐसे ही प्याज, ऐसे गोल वाली प्याज को मैंने ऐसे ही निकालना है, ऐसे मिक्स करना है इसमें और उठा करके इसको अच्छे से इसमें डाल देना है। आलू में अगर हम मसाला नहीं लगाएंगे तो फिर कोई टेस्ट नहीं आता है। बिना मसाले का भी बनता है लेकिन उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। इस ऐसे बनाने में टेस्ट बढ़िया आता है, ज़्यादा लगता है खाने में, इसलिए मसाला मिलाना बहुत जरूरी होता है आलू में। जैसे आप देख पा रहे हैं कितना फूल फूल के एकदम अच्छे से मेरा पकौड़ी तैयार हो रहा है और मैं कढ़ाई में इसको अच्छे से पका रही हूँ। पकी गया है, 2-3 मिनट और पकाऊंगी उसके बाद इसको अच्छे से निकालूंगी प्लेट में। जैसे आप देख पा रहे हैं पकौड़ी मेरा बन चुका है क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में, आलू अंदर का प्याज कच्चा होता है तो इसको आराम से कम आँच पे पकाना पड़ता है। अब ये परफेक्ट पक चुका है, अब मैं इसको कढ़ाई से निकालूंगी। इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आप देख पा रहे हैं आलू का कतरा मैंने एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से बना दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैगी मसाला खाने के लिए, चटपटा मज़ा आता है खाने से, और हल्का सा डालूंगी चाट मसाला और साइड में रखी हूँ चटनी लाल वाली सॉस। उठाइए फटाफट इसमें बोलिए, वाह बहुत मज़ा आएगा और बढ़िया बनाना। प्याज का भी देखेंगे आप, बहुत बढ़िया प्यारा एकदम सुंदर सा पकौड़ा बना है। आप भी अपने घर में इसको ट्राई करिए, बनाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।